हेलो स्टूडेंट, टुडे दिस इज योर सेकंड चैप्टर रिलेटेड टू योर बुक, दैट मींस इंग्लिश टीचर का आपका ये सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, तो आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा चुका हूँ और उसका फेयर आप लोग बनाया होगा और बनाना भी चाहिए क्योंकि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए वीडियो लेक्चर्स ला रहे हैं, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स आपको ये एक आपको ये नहीं लगे कि आप क्लास नहीं कर रहे हो, आप क्लास कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो और अच्छी तरह से कर रहे हो, तो आपको फेयर बनाना चाहिए। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो मैंने तो पहले ही बोला है कि आप कांटेक्ट करो हमसे, पर्सनली कांटेक्ट करो। ओके, हम आपके प्रॉब्लम को देखेंगे क्या होता है अगर, ठीक ना। तो इससे रिलेटेड जो भी वर्ड है ना, वो आज मैं सिर्फ वर्ड लेके आया हूँ, ठीक है। दैट मीन्स आपको इस पोएम से रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स आपको आज मैं समझाऊंगा, क्योंकि देखो वर्ड मीनिंग्स आप समझ जाओगे पहले, याद कर लोगे उसे, ओके, तो आपको ये पोएम समझने में क्या होगा, आसान होगा। ओके, दैट मींस ये सेकंड चैप्टर द बर्ड ऑन द सोल, देखो ये एक पोएम है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, गूज के बारे में पढ़ा था, तो ये भी एक पक्षी के बारे में ही है जो कि एक समुद्र किनारे मिलता है, ठीक ना। तो इसमें क्या है, क्या कैसे मिलता है पक्षी, क्या किया जाता है उसके साथ, वो तो हम लोग डिस्कशन करेंगे ना इसका, तब हम पढ़ाएंगे। लेकिन आज पढ़ लो इसका, देख लो वर्ड मीनिंग्स और दिखाता हूँ एक बार, मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ आपको पहले पोएम का। तो मैं आपको एक, ये सब तो मैं वार्म अप है, ये तो करूंगा मैं डिस्कशन में, तो एक बार पोएम आप देख लो पहले। जैसे ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पोएम, हाँ दिस रीड दिस पोएम, ओके, हाँ। तो ये आपका पोएम ए स्टिकी स्किन ऑफ वाइल्ड से लेकर के स्टार्ट हो रहा है आपका, जा रहा है ये आपका सेकंड पेज में भी है इसका, और देखो हाँ ये देखो हाँ यहाँ तक है आपका, ठीक है पोएम, ठीक है। तो ये देखो ये दो व्यक्ति हैं, दो पर्सन हैं। अब इसमें क्या कहानी है, बच्ची भी है, तो क्या कहानी है, तो डिस्कशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब इसका मैं वर्ड मीनिंग्स का ओवरव्यू एक बार आपको दे देता हूँ, दिखाता हूँ वर्ड मीनिंग्स। आई थिंक दिस इज द लास्ट पेज वर्ड मीनिंग, हाँ ये लास्ट पेज में वर्ड मीनिंग है। देखो इंग्लिश है ना क्लास फोर के लिए, ठीक है, क्लास फोर के बच्चों के लिए। तो देखो जैसे मैं इसमें लिखा हूँ, पेज में लिखा हूँ, पीडीएफ भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करना ना, हेडिंग लगा करके, जैसे आप यूजुअल जैसे आप फेयर बनाते थे प्रीवियस क्लास में, वैसे फेयर बनाओ। फर्स्ट तो आप बना लिए होगे ना, सेकंड बनाओ, ओके, क्योंकि बनाओगे आपका फेयर कभी भी चेक हो सकता है। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक ना, कि आपका फेयर कैसे चेक हो, और जरूर चेक होगा फेयर, ठीक है। इसलिए आप लोग तैयार रहिए। और देखो पहले इसका मैं समझा देता हूँ वर्ड मीनिंग। जैसे अभी मैंने क्या देखा था, सोर देखा था ना, हेडिंग में था सोर। सोर मतलब क्या होता है, किनारा। अब इसका मतलब नहीं जानते, डायरेक्ट में आ जाता आपको पोएम पढ़ाता तो आपको इंटरेस्ट नहीं आता। ऐसे आपको पता रहेगा अच्छा सोर मतलब किनारा होता है, तो आप भी सोचोगे, आपके दिमाग में इमेजिन बनते जाएगा। जैसे जैसे मैं पोएम पढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे आपके दिमाग में इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा, इमेजिन करोगे, पिक्चर बनना चालू हो जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा। सोर मतलब किनारा, लीटर मतलब पूरा करके, ओके। इफेक्ट मतलब प्रभावित करना, एक होता है देखो इफेक्ट होता है, यहाँ पे होता है ई, तो इफेक्ट हो गया मतलब जान रहे हो, प्रभाव हुआ, ठीक ना, प्रभाव। और इफेक्ट मतलब हुआ प्रभावित करना, दोनों में अंतर है। गर गर मतलब लंबे पंख और झिल्लीदार पैरों वाली एक प्रकार की मुर्गी, जो अभी मैंने दिखाया पिक्चर में। अस्टिकी, अस्टिकी मतलब चिपचिपा, ठीक है। फ्लोट मतलब तैरना है। उसके बाद क्या है, रैप, इसको आप नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, रैप पढ़ेंगे। डब्ल्यू क्या है, साइलेंट है। लपेटना दैट मीन्स रैपिंग करना, किसी चीज को आप लपेटते हो, बांधते हो, मतलब कवर करते हो, क्या होता है वो, रैप कहलाता है, रैप करते हो। अगला देखो पिक, पिक मतलब चोच मारना। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ। और भी है क्या, हाँ स्क्रब, स्क्रब मतलब मलना या झाड़ना। दैट मीन्स आप कोई क्रीम लगाते हो या कुछ लगाते हो वैसा चीज, तो आप क्या करते हो, स्क्रबिंग करते हो, दैट मीन्स स्क्रब करते हो, मलते हो। जैसे मैं आप कुछ लगाता हूँ, स्क्रब कर रहा हूँ, ओके। तो आई थिंक दिस इज द लास्ट पेज, हाँ ये लास्ट पेज है आपका। तो हम लोगों ने देखा वर्ड मीनिंग्स, अब मैं एक बार आप लोगों को इसको करना क्या है ना, आप लोग फेयर में डालो, चैप्टर सेकंड लिख करके आप इसको फेयर में डालो, पहला काम। दूसरा काम, इसको याद करो, क्योंकि याद रहेगा वर्ड पावर आपका स्ट्रांग होगा, कहानी समझने में इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा कहानी पोएम पढ़ने में या कहानी, ठीक है, जो भी आगे हम पढ़ने जाएं। अगर कहानी है तो कहानी का भी आपको ऐसे ही करना है, ये तो पोएम है तो पोएम समझने में मजा आएगा, ठीक है। तो चलो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार पोएम, फिर से दिखा देता हूँ, हाँ ये देखो पोएम है आपका। तो पोएम को जानते हो क्या करना है तुमको, पोएम को फेयर में नहीं लिखना है, ये लिखना भी है, इसको एक रफ पेपर में लिखो, दैट मीन्स रफ वर्क में आप लिखो, जिससे आपका
राइटिंग स्किल डेवलप होगा, आपको लिखने का तरीका पता चलेगा कैसे पोएम लिखा जाता है और स्टोरी राइटिंग कैसे होता है, तो आप इसको लिखो। तो ये आपका होमवर्क शैप हो गया, जब आपको याद करना है लिखना है, तो फेयर बनाइए और पढ़िए। थैंक यू सो मच।